आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बेजेज मैक्रोनी की रेसिपी, जिसे आप बना करके बच्चों के टिफ़िन में देंगे तो बच्चे बहुत ही पसंद से इसे खाएंगे। आप इस तरीके से ज़रूर एक बार बना करके बच्चों के टिफ़िन में दें। तो चलिए बिना देरी करते हुए रेसिपी हम शुरू करते हैं। या पास्ता बनाने के लिए गैस पे कोई बर्तन में हम पानी रखेंगे उबलने के लिए। उसके बाद हम साथ में 1 टेबल स्पून तेल और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड कर देते हैं। अब इसमें उबाल आने देते हैं। उसके बाद हम इसमें 2 कप मैक्रोनी डाल देंगे। ये मैंने 1 कप डाला और ये 2 कप। एक बार हम इसे इस तरीके से चला लेंगे और इसमें उबाल आने देते हैं। और ये लीजिए, मैक्रोनी में उबाल आ चुकी है। एक बार हम इसे फिर से चला लेंगे और ये देखिए, मैक्रोनी हमारी अच्छे से उबल चुकी है। अब हम इसका पानी निकाल लेंगे। एक बर्तन में हम छन्नी लगाएंगे। उसके बाद हम सारे मैक्रोनी का पानी हम निकाल लेंगे। साथ में हम इसे इसमें ठंडा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मैक्रोनी एक दूसरे में चिपके ना। अब यहाँ पे हमने गैस पे एक पैन रखा है, उसमें हमने छोटी सी क्यूब बटर की और 2 से 3 टेबल स्पून तेल इसमें ऐड किया है ताकि बटर जले ना। उसके बाद हम यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च लिया है, जिसे हमने बारीक काट करके ले लिया है। दोनों चीज़ों को थोड़ा हम भून लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बड़े साइज में प्याज लिया है और एक मीडियम साइज में हमने शिमला मिर्च ली है, जिसे हमने बारीक काट करके ले लिया है। 1 से 2 मिनट हम इसे भून लेंगे। हमें इतना भूनना है जब तक कि इसका थोड़ा क्रंच बना रहे। उसके बाद हम इसमें एक छोटे साइज में हमने टमाटर इसमें ऐड किया है, इसे भी हम इसमें डाल करके भून लेंगे। 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च, 2 टेबल स्पून टमाटो केचप, 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे मेयोनीज लिया है। सारी चीज़ों को हम सब्जियों में डाल करके अच्छे से भून लेंगे। हमें 1 से 2 मिनट इसे भून लेना है। और ये देखिए, हमने इसे 1 से 2 मिनट भून लिया है। अब हम इसमें बॉईल किए हुए मैक्रोनी को ऐड कर देंगे। और ये देखिए, हमने सारे मैक्रोनी को इसमें डाल दिया है। अब हम इसे चलाते हुए सब्जियों के साथ अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। और ये लीजिए, हमने इसे मिक्स कर दिया है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर देते हैं और साथ में हम इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। दोनों चीज़ों को हम मैक्रोनी में मिक्स कर देंगे। 1 से 2 मिनट हम इसे चलाते हुए अच्छे तरीके से इसे हम भून लेंगे। और ये लीजिए, हमने इसे 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से मैक्रोनी में मिक्स करते हुए भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा चीज़ ऐड करेंगे। चीज़ ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैक्रोनी में चीज़ आप ज़रूर डालें। बच्चों को चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं तो कहूँगी आप मैक्रोनी में चीज़ थोड़ा ही डालें, लेकिन आप ज़रूर डालें। इससे मैक्रोनी का टेस्ट और भी दोगुना हो जाता है। और ये लीजिए, चीज़ को डाल करके हमने मैक्रोनी में मिक्स कर दिया है। 1 से 2 मिनट हम इसे चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। और ये लीजिए, वेजेज मैक्रोनी बन के बिल्कुल तैयार है। आप इस तरीके से एक बार ज़रूर वेजेज मैक्रोनी बना करके ट्राई करें। इस तरीके से आप बच्चों को ज़रूर एक बार बना करके दें, बच्चे बहुत ही पसंद करेंगे। इस तरीके से एक बार ज़रूर बना करके ट्राई करें। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।